हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। काफ़ी सारा काम भी पड़ा है, घर की साफ सफाई भी करनी है। इस व्रत में कुछ नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया जाता है। मेरे हिसाब से पतियों को भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखना चाहिए। ये पत्नियाँ ही अकेली क्यों रखें, पतियों की तो लंबी उम्र हो जाएगी पर पत्नी की लंबी उम्र तो नहीं होगी, क्योंकि पत्नी जो है व्रत रखती है अपने पतियों के लिए, तो पतियों की तो उम्र लंबी हो जाती है और पत्नियां जो हैं पहले ही लुढ़क जाती हैं। पति तो दूसरी शादी कर लेगा, यहाँ पे मज़े करेगा, और पत्नियां जो हैं भूतनी चुड़ैल बन जाती हैं ऊपर जाके। तो आप सब अपने पतियों से इस बार व्रत रखवाइएगा और अपनी लंबी उम्र कीजिएगा, क्योंकि जब हमारी शादी होती है तो पंडित जी हम दोनों को वचन लेने को बोलते हैं एक दूसरे को, चाहे वो अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो। तो मेरी सारे पतियों से गुजारिश है, अपनी पत्नियों को ढेर सारा प्यार करिए, उनकी इज्जत करिए और करवाइए, तभी आपकी पत्नी आपकी इज्जत करेगी। क्योंकि जब आप बीमार पड़ेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, ना आपके माँ बाप और ना ही भाई, क्योंकि माँ बाप तो पहले ही चले जाते हैं, रह जाते हैं भाई बहन, वो एक दूसरे के काम नहीं आते हैं, ना ही आपकी सेवा करेंगे आके। सिर्फ एक पत्नी होती है जो आपकी सेवा करेगी, हर तरह का ख्याल रखेगी, चाहे आप बीमार हों या आपके अच्छे दिन हों या बुरे दिन हों, हर समय में आपका ख्याल रखेगी। तो फ्रेंड्स, आपका भी फ़र्ज़ बनता है आपकी पत्नी का ख्याल रखने का। एक पति ही होता है जिस पर पत्नी विश्वास करती है, अपने माँ बाप छोड़ कर आती है, अपने भाई बहन सबको छोड़ के आती है आपके घर, आपके माँ बाप का ख्याल रखती है, आपके भाइयों का ख्याल रखती है, उनके लिए खाना बनाती है, आपके घर का सारा काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है उसकी इज्जत करें और करवाएं, तभी आपकी भी इज्जत होगी। जब आप ही अपनी बीवी की इज्जत नहीं करेंगे तो आपके भाई भी इज्जत नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, सही गलत को समझिए, अपनी पत्नी को समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए, उसको ठेस मत पहुंचाइए। अगर पत्नी के दिल पर कोई बात लग जाती है ना, तो पति और पत्नी में वो प्यार नहीं रहता है जो होना चाहिए एक पति और पत्नी में। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें तो हो गई उन पतियों के लिए, अब हो जाए घर की साफ़ सफाई। तो मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी जो व्रत नहीं है उनके लिए। तो मैं रूम से स्टार्ट करूँगी। सफाई अब हम किचन की कर लेते हैं। हो गई है, अब मैं नहाने जाती हूँ। इधर हमारा पानी भी आ गया है, दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। दिन में दो बार पानी आता है, एक सुबह और एक दोपहर में। तो अब मैं नहा लेती हूँ। सारा काम तो हो गया है, मैंने सबके लिए खाना भी बना दिया है और सबने खा भी लिया है। तो अब मैं मार्केट जाती हूँ पूजा का सामान लेने के लिए, जो पूजा में यूज़ किया जाता है, जैसे कि करवा है, कलंडर है, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, जो कुछ भी है सारा श्रृंगार का सामान लेके आती हूँ। जा रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, पूजा का सामान लेने के लिए।
मार्केट कर आई हूँ। मार्केट से मैं ये कैलेंडर लेके आई हूँ, ये सीक है और ये करवा है, ये श्रृंगार का सारा सामान है, ये रंग है, लिपस्टिक, नाखून पॉलिश, सिंदूर, बिंदी, ये मेहंदी है, जितना सारा श्रृंगार का सामान होता है सारा ले आई हूँ। और ये कुछ फूल है पूजा के लिए। तो फ्रेंड्स मैं मार्केट तो कर आई हूँ, अब मैं खाना बना लेती हूँ पूजा का, जो करवा चौथ की पूजा में यूज होता है। तो चलें हम अपनी किचन में खाना बना लेते हैं।